कुणाल उसरे है। 24 मार्च को मेरा हिप का ऑपरेशन हुआ था। एक्चुअली जो ये मेरी गलती है वो इतनी ही थी कि मैंने अपने ऑपरेशन कराने में देर किया। और मैंने अपना ऑपरेशन कराने में देर इसलिए किया कि सब कहते थे कि ऑपरेशन कराने के बाद में तुम हैंडीकैप हो जाओगे, ऑपरेशन कराने के बाद में तुम और ख़राब हो जाओगे। और इसकी वजह से ये होता जा रहा था कि एक अंग के वजह से मेरे बाकी शरीर में पार्ट्स में तकलीफ होना शुरू हो गई थी। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुझे ऑपरेशन, जब डॉक्टर ने कहा था कि यू हैव लास्ट ऑप्शन इज़ ऑपरेशन, तो तब मैंने सोचा कि तब जहाँ मैं रहता था वहाँ मेरे पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, गांव में मेरे पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि मेरा ऑपरेशन हो पाए। और ख़ास करके वहाँ के डॉक्टर ने मुझे सफ़ा कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद में तुम सिर्फ चल पाओगे और बैठ पाओगे, अदर एक्टिविटीज़ तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे डॉक्टर शैलेंद्र सर का वीडियो मिला मुंबई में आदित्य हॉस्पिटल का, कि वहाँ पे ऑपरेशन कराने के बाद में अब आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो आप पहले अपने जीवन में करते आ रहे हो वे बड़े आराम से कर पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद में जो मेरे 3-4 दिन बीते हैं वो काफ़ी नॉर्मल थे। यानी कि अक्सर लोगों को ऐसा दिल में ऐसा डर रहता है कि ऑपरेशन के बाद में हमें काफ़ी दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं काफ़ी पेनलेस फ्री कर रहा हूँ और मुझे कोई पेन भी नहीं हो रहा है। और सही कहा जाए तो ऑपरेशन के बाद में मेरा पेन काफ़ी कम हो चुका है। जो ऑपरेशन के पहले मुझे पेन हुआ करता था, अब वो पेन थोड़ा सा भी नहीं है और मैं अब काफ़ी अच्छी तरीके से फ्री उठ सकता हूँ। अपनी स्लीप नींद, मेरी नींद अच्छी हो रही है, दर्द नहीं है। तो और मैं भी फ़िलहाल तो मैं भी वॉकर लेके चल रहा हूँ, वॉकर लेके बड़े बड़े आराम से चल रहा हूँ। और नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगा और अपने दोनों पैर पर बड़ी अच्छी तरह से चल पाऊँगा।